YouTube फैमिली इब्तदा करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। तो व्यूअर्स, दिन का आगाज हो चुका है अल्लाह के पाक नाम से। तो आज डेली रूटीन आपसे शेयर करूंगी। दिन का आगाज हो चुका है, मैंने नमाज कुरान पढ़ ली। अभी मैं पेरिस में आई हूँ, मैंने कहा मैं वीडियो बनाती हूँ सुबह की। तो ये देखें, आसमान पर भी कहीं कहीं बादल आए हुए हैं। अल्लाह करे बरस पड़े ताकि गर्मी ना हो ज़्यादा। तो वो सामने एक छोटी सी झील है, झील तो नहीं कह सकते, वैसे पानी जमा हुआ हुआ है, जमा रहता है इधर पानी। तो ये बाहर का व्यू है इस्लामाबाद का, ये देखें। ये मैं ऊपर टेरेस पे खड़ी हूँ। चले, अभी मैंने तस्बीह करनी थी, वो मैं तस्बीह करने लगी हूँ। चले जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नए ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ। स्टार्ट करती हूँ आज का नया ब्लॉग। चले जी व्यूअर्स, ये देखें, अब नाश्ता करने लगे हैं। सुबह का टाइम है, तकरीबन 12 बज चुकी हैं। वो 12 बजे नाश्ता होता है व्यूअर्स संडे वाले दिन। और ये सालन है, और ये चाय भी है, पराठे हैं। और माशाल्लाह पराठे बहुत ज़बरदस्त बनाए हुए, बहुत लाइट वेट से होते हैं, हल्के फुल्के से पराठे। तो चलें इसी के, और ये देखें बच्चे भी नाश्ता करने लगे हैं। चलें नाश्ता करते हैं जी, और आप लोग भी करें नाश्ता। हुरजान, हुरजान क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बैठी हो? छोड़िया कश्तियां उसने, हुसैन ने ये देखें इसमें छोड़ दी है। तो आती है, तो हम मस्जिद आते, हम तो यही है, और हम तो राजे थे, और हम तो बच्चे थे, हमें वो तो भी थे, हम तो बच्चे थे। और सैन जाओ, बारिश में जाओ, जाओ। व्यूअर्स ये देखे माशाल्लाह, मेरे हुसैन और मेरी हुरजान नमाज पढ़ रहे हैं जी। ये छुट्टियां एंजॉय हो रही हैं, नमाजें भी पढ़ी जा रही हैं, और टीवी भी देखा जा रहा है, और गाने भी सुने जा रहे हैं। ये देखें ये क्या कर रही है, तमाशे। ये देखें वो फिल्म है भूल भुलैया उसका, ये देखें क्या तमाशा कर रही है आगे। बच्ची है तो विषय बात तो हम करते हैं कि उस तरफ रुझान ना जाए, मगर फिर भी लगी रहती है, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाती है बच्चों को। चाय पीने जा रही हूँ। ओके व्यूअर्स, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।